बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद आरोपी के घर ताबड़तोड़ इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस ने इस मामले में पांचवें आरोपी ताशुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। लाल किला हिंसा मामले में हुआ खुलासा। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का फोन चला रहा था दीप सिद्धू। जांच में ये भी पता चला कि दीप सिद्धू ने व्हाट्सएप व मैसेंजर पर दो ग्रुप बना रखे थे। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों से बाहर निकले लोग, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। उपद्रवियों ने एक साल में तोड़ी 50 से ज्यादा DTC बसें। खामियाजा भुगत रहे यात्री। बस स्टॉप पर सैकड़ों यात्रियों को रोजाना सुबह शाम आधे से एक घंटे का इंतजार करना पड़ रहा। जैश के आतंकी ने उगला NSA अजीत डोभाल पर हमले का पाकिस्तानी प्लान। दफ्तर की रेकी कर वीडियो सीमा पार भेजी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई रिंकू शर्मा मर्डर केस। BJP की मांग है कि परिजनों को मुआवजा दे दिल्ली सरकार। लॉन्च हुआ भारत का पहला CNG से चलने वाला ट्रैक्टर। 15 साल ज्यादा चला सकेंगे किसान। CNG ट्रैक्टर से 80% वायु प्रदूषण कम होगा। 1 अप्रैल से पटरी पर दौड़ेगी सभी ट्रेनें। रेलवे का प्लान तैयार। होली में बढ़ती डिमांड को देखते हुए मिल सकती है हरी झंडी। दिल्ली मेट्रो फेज 4 का काम हुआ शुरू। टर्मिनल 1 तक होगा तुगलकाबाद एयर सिटी कॉरिडोर। कुतुब मीनार के 1 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो का निर्माण नहीं। राम मंदिर निर्माण के लिए पिछले महीने शुरू हुआ चंदा जमा करने का अभियान तेजी से चल रहा। राम मंदिर निर्माण के लिए 1 महीने से कम समय में जमा हुए 1511 करोड़ रुपये।